हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द का एहसास होता है तो कोह तूर पे चले गए, कैसे जलीलुल कदर नबी थे, अल्लाह से डायरेक्ट रابطے थे, और जाकर कहा मालिक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर। घर के निजी मामले भी रब से डिस्कस करते थे, और कोई जो है वो ऐसी चीज होती वो भी रब से अर्ज करते थे। कहा मेरे मालिक मेरे पेट में दर्द का एहसास हो रहा है, दवाई की पूरी लेनी है, तो वो भी जाके कोहे तूर से रब से ही लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया फलान जंगल में चले जाओ, वहां इस शक्ल के पत्तों की एक बूटी है, उसको तोड़ो निचोड़ो उसका पानी पियो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाके बूटी को तोड़ा निचोड़ा, पानी पिया, शिफा हो। कुछ अरसा बीता, दोबारा उसी तरह का दर्द जागा। अब नुस्खा तो जहन में था, कोहे तूर पे ना गए, उस जंगल में चले गए और जाके बूटी को तोड़ा, उसके पत्ते निचोड़े, पानी निकाला, पिया, लेकिन दर्द और ज्यादा बढ़ जाता। फिर दोबारा आए कोहे तूर पे, कहा मालिक मैंने उसी दर्द पे दोबारा वही बूटी का पानी पिया है, लेकिन दर्द बढ़ गया है। कहा मूसा अब जो आए हो कोहे तूर पे, पहले ही आ जाते। तो अर्ज की मालिक बूटी भी वही और दर्द भी वही। फरमाया सब कुछ वही है, लेकिन पहले मेरा हुक्म था, अब मेरा हुक्म साथ शामिल नहीं था। शिफा बूटे में नहीं रखी, शिफा तो मेरे हुक्म में रखी हुई, इसलिए डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, लेकिन शिफा अल्लाह से मांगो, कि शिफा हमें देने वाला वो है, वो एक वसीला है, एक जाहिरी तरीका।